जब आपका सबसे बड़ा प्रशंसक आपको आईना दिखाने लगे और आपकी खामियां आपको गिनाने लगे, तो समझ जाइए कि आप में बहुत कुछ ऐसा है जो गलत है। वक्त रहते सुधर जाइए, नहीं तो हर कोई ही आपको आईना दिखाएगा और आपकी गलतियां डंके की चोट पे गिनाएगा। ये छोटा सा वीडियो देखिए। कि मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, इस दौरान जब आप लगातार नॉनस्टॉप चुनाव प्रचार करते रहे, आपकी पार्टी के बड़े नेता पश्चिम बंगाल में, और कोविड की स्थिति देश में लगातार खराब होती चली गई और दूसरी लहर बहुत खतरनाक हो गई, उस समय आपकी बहुत आलोचना हुई, आपकी सरकार की भी आलोचना हुई कि जिस तरीके से हैंडल किया गया। लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि आपको चुनाव प्रचार रोक देना चाहिए था, आपने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे चुनाव आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा आज एक दो चैनल ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हम तो अब कवरेज ही नहीं करेंगे आज चुनावों के नतीजों की। तो एक लगातार एक ये नैरेटिव आपके अगेंस्ट ये सेट हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनाव प्रचार अगर आपने बीच में बंद कर दिया होता और वर्चुअल रैलीज ही की होती तो शायद आपको फायदा हो सकता था उसका, आपकी छवि भी खराब नहीं होती और नतीजे भी आपके लिए थोड़े से बेहतर हो सकते थे। राहुल गांधी ने अचानक से ये ऐलान कर दिया कि मैं अपनी सारी रैलीज अब कैंसिल करता हूं। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने बहस में शामिल होने से इनकार कर दिया कि जो चुनाव पर जो कवरेज होगी हम उसमें शामिल भी नहीं होंगे। आपकी बार 200 पार टीएमसी के लिए दे दिया था क्या? 200 पार देखे, 201 टीएमसी पहुंच गई है। ये आपकी बार 200 पार नारा आपका था लेकिन पूरा टीएमसी ने कर दिया। घुटनों पर 201 सीटें, बड़ा घुटनों पर 201 सीटें, और ममता बनर्जी के घर के बाहर सीधे चलेंगे क्योंकि वहां पर जश्न का माहौल है। पूजा जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ लाइव है। पूजा तस्वीरें दिखाइए, जश्न का माहौल, 200 पार, 201 सीटें।